फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंडी नौनी में। तो सबसे पहले मेरे सारे उत्तराखंड के भाई बहनों को फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से जो है फूलदेई स्टार्ट हो गई है और आज संक्रांत भी है, संक्रांत। तो क्या बोलते हैं उसके लिए जो है बच्चे यहाँ बहुत चिल्ला रहे हैं यहाँ पीछे, तो अभी वो फूल डालने आ रहे हैं नीचे। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे डालते हैं फूल, छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले हम भी डालते थे तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं। बच्चों का ही त्यौहार होता है और घोगा को जो है देवताओं का भी देवता माना जाता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे मुझे बाय कर रहे हैं। तो जो है ये 8 दिन तक चलेगा, 8 दिन तक रेगुलर बच्चे ऐसे ही फूल डालने आएंगे। फिर 8वें दिन इनका जो है खाना पीना बनेगा अलग से। दोस्तों फूलदेई वाले बच्चे तो चले गए फूल डाल के घर में। तो जो है अब घर पर है, रोड कटेगा आज क्योंकि संक्रांत है। तो क्या बोलते हैं उसके लिए जो है रोड बन रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे देवता में कैसे रोड बनता है। चलिए, ये हमारे नरसिंह बाबा का मंदिर और जो है यहाँ बन रहा है रोड। इसमें हमारे घर का जो है किचन यूज़ नहीं होता है, देवता के ही कमरे में जो है रोड बनते हैं। रोड का कोई भी प्रसाद वो देवता का ही बनता है और इसमें कूट कूट के घी डाला जा रहा है देवता को प्रसन्न करने के लिए। और दोस्तों फाइनली रोड कट गया है और मुझे टीका भी लग गया है और मैं रोड खाती हूँ। तो आप सभी को भी हैप्पी संक्रांत और हैप्पी फूलदेई मेरी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मुझे बहुत सारे और काम है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो है देवता वाला प्रसाद तो खा दिया है और अब दूसरे काम शुरू होने वाले हैं गौशाला में। तो ये दूसरा प्रसाद रखा हुआ है हमारे लिए भैंस ने, जिसे हमें बनाने उपले, मतलब गौसा छापण जाना हम गौशाला। तो आपको भी दिखाते हैं गौसे छाप के। चलिए और भैया, कल हमारे सैतूस के पेड़ बहुत हरे भरे हो गए हैं, इन पर सैतूस आएंगे इस टाइम। और हमारी जूली बहुत टाइम बाद जो है मैं मिलवा रही हूँ आपको अपनी जूली से, जो कि बहुत नाराज़ हो चुकी है। तो चलिए पहले सबसे पहले उपले छाप लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों मैं दूंगी अपनी मोला को उसके फेवरेट जो है किसके पत्ते, सैतूस के पत्ते। और इसके बाद इसे मांगूंगी क्या दहेज में गोबर की खुपड़ी, इस तरह से देखिए ताज़ा ताज़ा है, एकदम गरम गरम है। इतने सारे हमने छाप रखे हैं ये उपले, यहाँ भी देखिए इतने सारे उपले छाप रखे हैं। तो यहाँ मुझे और छाप रही थी कि गर्मियों का टाइम आने वाला है और जो है ढेर सारे मच्छरों की पलटन भी आने वाली है। तो इसको हम इस तरह से ऐसे करके और फिर हम दिला दें ऐसे, देखा इसको मैं ही जलाऊँगी। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा छापना है ताकि जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। फिर नेक्स्ट ढक जिसकी कैसे मोटे मोटे गुंथले जैसे बन रहे हैं। और फिर उसके बाद ये सूखने के बाद ऐसे होते हैं, बाहर तो इनमें खाना भी बनाते हैं पर हमारे यहाँ पे सिर्फ गर्मियों में इसे यूज़ करते हैं ज़्यादा करके मच्छरों को भगाने के लिए। सबसे कारीगर है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आपका वो मोटीन मोटीन होता है ना जो किसी काम का नहीं होता, वो जैसे एक जलाओ पूरे घर के लिए एक ही हो जाता। और तीन देखा एक बार के थपड़े में तीन गोसे, तीन उपले मैंने ऑनलाइन चेक किया था इसको, 200 में मिल रहे थे तीन गोसे। तो ऑर्डर 300 में नहीं, 100 रुपये में दे दूँगी मैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमारे उपले तैयार हैं और यहाँ ढेर सारे सूख गए हैं और कुछ कुछ हमने थैले में भर दिए हैं अंदर। ये हमारी जूली और इसके मुँह पे लगाऊंगी मैं इसका हवा। ये देखिए फुल मारने के मूड में, ये देखिए यहाँ से मारने के मूड में। हाँ भैया, हाँ भैया, दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जौ की क्या सुंदर सुंदर बालियाँ हो रखी है। मेरे को लग रहा है पूरे सार में जो है हम यहीं पे दिख रहे हैं थोड़े जौ की बालियाँ। और ये देखिए और यहाँ सुवर ने कर रखा है हमारी केले के जो है
पेड़ों का बुरा हाल, खुदाई करके उसने पूरे केले के पेड़ उखाड़ फेंके हैं। तो रोज ही आ रहे हैं सुबह यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं आप कितना सारा धनिया हो रखा है। इस टाइम बहुत सारा धनिया होने वाला है घर पे, घर के पिसे हुए मसाले कितना स्वादिष्ट होते, कितनी खुशबू आती है उन पे। तो आगे है सरसों वगैरह, आपका आड़ू का पेड़ है, तो इसमें छोटे छोटे आड़ू आ गए हैं। परसों तक ही फूल थे और अभी इनमें छोटे छोटे आड़ू लग गए हैं, बहुत सारे आड़ू लगे हैं इसमें। तो अभी तो बड़े होने में बहुत टाइम है, क्योंकि इनको मई जून के टाइम पर होंगे ये खाने लायक, तो अभी ये बड़े हो रहे हैं। तो मेरे को अभी जो है अपने और भी काम करने हैं, मेरे को मैंने अपनी एक सूट कटिंग करी है, उसको भी स्टिच करना है। तो चलिए सबसे पहले वो काम भी निपटा देते हैं, थोड़ा बहुत काम है भाई। आज मैं आपको पूरा डे का रूटीन बता रही हूँ क्या क्या करना है। सफाई वफाई मैंने सुबह कर दी थी, वो इतना ज़्यादा बकवास दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सफाई क्योंकि सभी करते हैं। तो अभी मेरे को और एकदम देसी स्टाइल में अपने इंच टेप ऐसे गले में टांगते हुए अपनी टेलरिंग शुरू करते हैं, अपने सूट सिलना शुरू करती हूँ। तो आपको भी दिखा दी मैं सबसे पहले मेरा सूट है कैसा। मेरा सूट कुछ ऐसा ऐसे कलर का है ये सूट, ऐसा अभी फाइनल हुआ नहीं है इसका, तो कुछ ऐसा है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो मैं जो है फटाफट सूट के जो है सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि अब ये फाइनल होने ही वाला है, तो इसके बाद सलवार का टाइम है। और मेरा सूट सिल के तैयार हो गया है, और इसमें जो एक्स्ट्रा धागे लगे हैं मैं इनको हटा रही हूँ, कैंचे से काट रही हूँ। तो ये देखिए मेरा सूट तो बन गया है, अब सलवार का टाइम है। तो सूट तो सिल गई है, सलवार सिलना बाकी है। तो सबसे पहले बोलते पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वही वाला सीन है। पहले खाना खाते हैं और फिर दोबारा से सिलाई करेंगे, फिर शाम के जो काम होंगे उनको भी दिखाऊंगी आपको। पहले खाना खाने जा रही हूँ मैं नीचे। और आज बना था खाने में आलू की थिंचौड़ी, और उसमें मैंने लिया है थोड़ा सा मट्ठा। तो मैं बाहर पे आके एकदम खुले नज़ारे का जो है आनंद ले रही हूँ यहाँ पे। तो खाना हो गया है, अभी मेरा सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ वहाँ पे बैठे बैठे इधर उधर करके। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, देखते हैं कब कम्प्लीट होगा मेरा सूट। थोड़ा लेटते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। हम जा रहे हैं शाम के बजे 3:30, और हम जा रहे हैं पिसवाने जा रहे हैं आटा पिसवाने चक्की, मतलब कि कहाँ तमिंड में चल गए हैं पीसने के लिए। ये देखिए ये भाभी जी है और मेरी बहन, थोड़ा सा पिसवाने के लिए इसलिए मेरी बहन ही ले जा रही, क्योंकि मेरी बहन मेरे पे बहुत ज़्यादा रहम करती है कि मेरी दीदी को थोड़ा भी भार न पड़े, तो इसलिए वही ले जा रही है। आते टाइम मैं लेके आऊँगी, क्या पता वैसे थोड़ा ही है 10-15 किलो, पर वैसे गांव में भी हमारी चक्की है, पर गांव में इसलिए नहीं पिसवा रही क्योंकि वो भैया घर पे है नहीं, तो इसलिए हमको यहीं जाना पड़ रहा है तमिंड में। तो 2 किलोमीटर लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे है, तो दिखाते हैं आपको ये अपने यहाँ की चक्की। और दोस्तों हम आधे रास्ते पहुँच गए हैं यहाँ के लिए बोलते हैं घुंडीधार, यहाँ पे थोड़ा जो है भूत प्रेत वाला सीन होता है। तो ये देखिए यहाँ कितने चीड़ के जंगल जैसा है। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं चक्की पे, यहाँ पे हमारे भैया लोगों की चक्की। और यहाँ देखिए कुछ पुराने घर, पुराने इतने छोटे छोटे घर, इतने अब तो इससे बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, और पहले के इतने बड़े मनी घर को होते थे। और यहाँ पे छोटा सा कमरा ये चक्की का, ये डीजल वाली चक्की है भैया की, तो इसके लिए फुल व्यवस्था कर रखी उन्होंने, ऊपर से छप्पर छप्पर लगा के। भैया का वेट, और भैया आने ही वाले हैं, फ़ोन कर दिया हमने, चलिए। और भैया आए, भैया ने फटाफट दरवाज़ा खोला है, और फटाफट भैया अंदर गए, फिर हम भी भैया के पीछे पीछे जो है उन्होंने बोला कि फटाफट तुम्हारा राशन देखते कितना है। तो हमारा 15 किलो हुआ और भाभी का 20 किलो। तो क्या बोलते भैया ने फटाफट जो है मशीन ऑन करी, ये डीजल वाली चक्की, इसमें डीजल डाल दिया भैया ने, और फिर इसको स्टार्ट करने के लिए भैया आगे आगे एकदम बहुत ही ताकत से बहुत स्पीड से, और ये स्टार्ट हो गई है। अब अंदर दिखाते हैं अंदर क्या हलचल चलेंगे इसके स्टार्टिंग में, अंदर भी चक्की चलने लगी है, यहाँ चक्की स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ चक्की चलने लगी है, और यहाँ आटा पीसने लग गया हमारा। यहाँ पर बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है इसकी, मैंने डीजल की एकदम अजीब सी धुआं धुआं। सबसे पहले दुकान पे आके जो हमारा काम होता है वह होता है कुरकुरे खाना, और यहाँ भाभी जी भी जो है हाथ में कुरकुरे और वहाँ चक्की के वहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ गए। यहाँ हमारे
जो है पीस के तैयार हो गया है, पीस गया है थैला, और हमें यहाँ पे लगभग 2 घंटा लगने वाला। थोड़ा रे थोड़ा एक थोली है, इसको भी आप थोली कह सकते हैं जो ये दिख रही है। तो दोस्तों जो है पीस के आ गए हम घर, मैंने घर जा रहे हैं अभी अभी 1.5 किलोमीटर चलने के लिए है, तो ज़्यादा बोर क्यों करना आपको। देख लिया आपने कैसे कैसे पीसते हैं हमारे यहाँ पे, देखिए ये देखिए बहुत गरा हो रहा है भाई ये। 15 किलो था पर भारी बहुत है, और जो है सारे कुरकुरे की शॉपिंग भी, ये लोग बस खाने आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला खाओ तब बोल, बाय बाय टाटा।